गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं बेटा क्लास टेंथ एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट टू। पार्ट टू हम देखने जा रहे हैं 4.3 का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ। मैं आपको बुक में पहले रीड करवा देता हूँ स्टूडेंट क्या कहा हुआ। देखिए, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन वन अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके जो है वो क्वेश्चन वन को सोल्व करना है। यानी क्वेश्चन टू में आपको जो क्वेश्चन वन में जो पार्ट गिवन है ना सारे उन्हीं को सोल्व करना है, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है इस बार, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, मेथड आपने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। वैसे इस बार कंडीशन ही आगे क्वेश्चन वही है फर्स्ट वाले सारे। तो देखो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी इज इक्वल टू 3। तो आप डी फाइंड करोगे, बी स्केयर माइनस का 4ac, बी -7 का स्केयर, 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। देखो माइनस का जब स्केयर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, 4 2 8 3 24। तो डी की वैल्यू 25। अब दूसरा फार्मूला अप्लाई करना है अपने ही वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला में, बस ये आ जाएगा। ठीक है ना, सेकंड फार्मूला से। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 7। एक तो ये फार्मूले वाला माइनस, और ये कि बी की वैल्यू भी नेगेटिव में है -7, तो दो बार माइनस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या, √25 अपॉन 2। ए की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस 25 का √5 अपॉन 4। तो एक्स की वैल्यू 7 प्लस 5 अपॉन 4, और एक एक्स की वैल्यू 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 5 12/4, एक्स की वैल्यू 2/4। एक्स की वैल्यू ये आ गया है हमारे पास 3, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से भी सोल्व करा था, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है ना, लेकिन बस जोन सा हमें कहा होगा हमें वही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर हमें क्वेश्चन कहा हुआ है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ की बना 1, सी की वैल्यू -4। तो डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac, बी 1 का स्केयर, 4 ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -4। तो 1 माइनस और माइनस प्लस, 4 2 8 8 4 32। तो डी की वैल्यू आ गया √33। नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस, बी की वैल्यू थी 1 प्लस माइनस डी की वैल्यू √3 अपॉन 2, ए की वैल्यू 2। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस प्लस माइनस √33। 33 का √33 ही रहेगा और डिवाइडेड में 4। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक बार आप इसे प्लस में लिख सकते हो और एक बार आप इसे माइनस में लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो थर्ड नंबर में आपको क्या कहा हुआ है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको कहा होगा, ठीक है ना। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4√3, सी की वैल्यू 3। तो डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac, बी यानी कि 4√3 का स्केयर, 4a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। तो d इज इक्वल टू 4 का स्केयर √3 का स्केयर, 4 4 16 16 3 48। तो 16 × 3 − 48। तो d की वैल्यू आ गया 48 − 48, ये 0। तो नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, माइनस बी, बी की वैल्यू 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 डिवाइड में 2a, ए की वैल्यू 4। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी −4√3 प्लस माइनस 0/8, 4√3। एक बार तो आप प्लस का 0 लोगे, एक बार माइनस का 0/8। तो एक्स की वैल्यू आ गया −4√3/8, 4√3/8, 4 1 4 4 2 8। तो एक्स की वैल्यू −√3/2, और ये भी क्या आ जाएगा, 4 1 4 4 2 8। तो एक्स की वैल्यू
माइनस का रूट 3/2, तो ये भी आपका आंसर है, ये भी दोनों, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो फोर नंबर पार्ट देखते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं यहीं करा देता हूँ फोर नंबर पार्ट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, नोट एग्जिस्ट होगा। 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो ए की वैल्यू जो एक्स के साथ है 2, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है 1, सी की वैल्यू 4, डी आप फाइंड करोगे 2b² - 4ac, 1 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, 4 2 8 8 3 24, माइनस का 31। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर नोट एक्सिस्ट आ गया था, क्योंकि डी की वैल्यू माइनस में आ गई है, ठीक है ना। तो ये आगे सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्लियर कर दिया जाएगा, और वीडियो को पॉज करके जो है वो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देख लेते हैं, देखो एक और इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन।